सबसे पहले तो कुछ दोस्तों क्या करेंगे, जैसे आंशिक भिन्न को हल करें, पार्शियल फ्रैक्शन को हल करेंगे, एक्स बट्टे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ए बट्टे एक्स प्लस वन और बी बट्टे एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे उधर वाले का, ये तो जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है। इसका ले लो एलसीएम, तो एक्स प्लस वन आएगा और एक्स प्लस टू आएगा, ठीक है दोस्तों। और बताओ गोपालो, अब देखो इसका डिवाइड करूंगा, इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस टू, इसका आंसर में हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस के बी, इससे ये कैंसिल एक्स प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो क्या बचेगा, एक्स बराबर ए एक्स प्लस टू प्लस के बी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दो देखो दो दो कोष्टक दे रखे हैं अलग अलग, दोनों के देखो मान अलग अलग दे रखे हैं, एक्स बराबर माइनस वन निकलेगा, एक्स बराबर माइनस टू, दो दो नंबर अलग अलग आएंगे, दो नंबर कैसे आएंगे अलग अलग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करूंगा, क्या समीकरण एक मान लो, इसे सबसे पहले लगूंगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो, भाई वैल्यू तो ए और बी की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेंगी, ये कॉन्स्टेंट आए हैं तो एक्स बराबर माइनस वन, तो जहां जहां मेरे एक्स में माइनस वन, माइनस वन इजिकल टू ए माइनस वन प्लस टू, बी माइनस वन प्लस वन, जहां जहां एक्स है मैं माइनस वन रख दूंगा। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो माइनस वन इजिकल टू कितने ए, तो ए बराबर कितना आ गया माइनस एक, बोलो हाँ या ना, ए बराबर माइनस एक। अब देखो पुट करूंगा क्या, एक्स प्लस टू बराबर टू जीरो, एक्स बराबर माइनस टू, बोलो एक्स बराबर माइनस टू पुट कर दूं समीकरण एक में, तो माइनस टू इजिकल टू ए माइनस टू प्लस टू प्लस के बी माइनस टू प्लस वन, बोलो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस टू इजिकल टू इससे ये कैंसिल जीरो और माइनस टू प्लस वन, माइनस का एक माइनस का एक, तो बी बराबर कितना आ जाएगा दो, बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों दो, बस इसमें मान लगा दो, तो एक्स बटे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है ना, ए का मान कितना है माइनस वन, माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, और बी का मान कितना है प्लस टू, दो बटे एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन बराबर, दो माइनस वन तो बाहर हो जाएंगे, इससे वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा dx, इसमें दो बार हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स प्लस टू बचेगा, बोलो हाँ या ना, एक्स प्लस टू बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस वन लॉग एक्स प्लस वन, और वास्तव में एक्स नहीं तो वन प्लस जीरो, प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू कोष्टक में वन प्लस जीरो प्लस के सी। पता दोस्तों मैंने सही बात बताई थी, मतलब सुबह इस सही सवाल मैंने बताया था क्या, कि देखो अगर लॉग, फिर बता दे रहा हूँ दोबारा से, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स और डी एक्स होता क्या होता है इसका, लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स। पता मोड क्यों लगाता हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो मोड में लगाता हूँ इसलिए, ठीक है। अब देखो लॉग मोड एक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वन कर दूँ, तो इंटीग्रेशन तो देखो क्या होगा, जो इसके हर में लिखा है वो आएगा आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, बटे में ये वास्तव में एक्स तो क्या करेंगे, नीचे से करेंगे हर में डिफरेंशियल, तो वन एक्स हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस के टू लॉग एक्स प्लस के टू प्लस के सी आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ रफ।